हेलो गाइस, केम छो, मैं हूँ आपका दोस्त मीत सोलंकी और आप देख रहे हो MS व्लॉग चैनल। तो ये है कोलाड पार्ट टू। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हम लोग कोलाड में कहाँ पे आए, कौन सी प्रॉपर्टी पे। तो हम लोग आए गाइस जॉस्टेल में, जॉस्टेल कोलाड में। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है इनकी। तो अभी हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आपने अगर इसके पहले का व्लॉग नहीं देखा होगा, मुंबई टू कोलाड मोटो व्लॉग था होंडा एक्टिवा 6G पे, तो आप लोग वो एक बार पहले चेक कर लेना। मैं उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो सामने आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल है, कायाकिंग, रिवर राफ्टिंग, बनाना राइड और यहाँ पे बंजी जंपिंग भी अवेलेबल है। तो अगर आप जॉस्टेल कोलाड पे आ रहे हो और आप ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो आप इसकी भी मज़े यहाँ पे ले सकते हो। इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है और इसकी बुकिंग आपको कैसे करनी है वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्म करूँगा। गाइज, अगर आपको यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रिवर राफ्टिंग की बुकिंग जो है आपको वन डे बिफोर करनी पड़ती है। तो आप अगर वन नाइट स्टे के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आप पहले से ही रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग करके आना। उसकी बुकिंग आप कैसे करोगे, आप जॉस्टेल कोलाड पे भी कॉन्टेक्ट करके उसकी बुकिंग कर सकते हो। बाकी सारी एक्टिविटीज़ आई थिंक सो आप सेम डे पे बुक करके भी कर सकते हो। तो गाइज, ये सामने जो आपको रिवर देख रही है, ये रिवर के उस पार जो हमारा है स्टे है जॉस्टेल। तो ये सबसे यूनिक चीज़ लगती है गाइज मुझे ये कोलाड जॉस्टेल की। अभी ये जो बोट है ना, ये बोट के थ्रू हमें उस पार जाना है और वहाँ पे हमारा स्टे है। तो अभी हम लोग एंटर करते हैं अपने हॉस्टल में। ये है यहाँ का एंट्री गेट। सबसे पहले आपको गाइस चेक इन प्रोसेस फिनिश करनी होगी आपकी। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपके जो भी नाम से आपने बुकिंग किया वो नाम आपको बता के सिंपली वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस वो लोग मांगेंगे और आधार कार्ड का जो है आगे पीछे का फ़ोटो देना उनको। तो चलो आपको हॉस्टल की इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी की मैं टूर करवाता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे गाइज आप देख रहे हो राउंड टेबल, ये आपका बार टेबल है। यहाँ पे रात को सब लोग चिल करते हैं, म्यूज़िक चलता है, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक होता है। मैं आपको रात के भी व्यूज़ कुछ दिखाऊंगा जैसे इवनिंग होगी। और ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो गाइज, यहाँ पे जो है आपका किचन एरिया है, कैंटीन एरिया है। तो ये है यहाँ का डोम रूम। यहाँ पे टोटल 6 बेड्स अवेलेबल है और 6 लॉकर्स अवेलेबल है।
और यहाँ के जितने भी डोम्स और प्राइवेट रूम है वो सारे एसी रूम है, तो आपको यहाँ पे गर्मी की कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलो आपको मैं दिखाता हूँ कॉमन बाथरूम, ये डोम रूम का कॉमन बाथरूम है। यहाँ के जो भी रूल्स और यहाँ के जो भी डेली एक्टिविटीज़ है उसके बारे में सामने लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहाँ पे बंजी जंपिंग भी अवेलेबल है गाइज, और उसके अलावा काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, तो जिसकी प्राइसिंग वगैरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी गाइज, तो आप एक बार चेक कर लेना अगर आप यहाँ पे ये सारे एक्टिविटीज़ इंजॉय करना चाहते हो तो। तो अभी ये जो है आपको मैं इवनिंग व्यू दिखाता हूँ गाइस। इवनिंग में देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लाइट्स का जो सेटअप किया हुआ है उन्होंने। और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है गाइस, यहाँ पे सारे डोम रूम है, और मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो सारे प्राइवेट रूम है, और ये हमारा खुद का डोम रूम। यहाँ पे टोटल गाइस 8 to 9 डोम रूम है, जिसमें से 2 डोम्स जो है वो फीमेल डोम्स है, तो आप अगर फीमेल का ग्रुप हो तो आप लोग फीमेल डोम्स बुक कर सकते हो, और बाकी सारे जो डोम्स है वो मिक्स डोम्स है। चेक करो गाइस, इवनिंग का वाइब चेक करो यहाँ का। यहाँ पे इवनिंग में जो वाइब्स था ना गाइस, बहुत ही अलग था, बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी लाउड म्यूजिक वगैरह देख सकते हो आप। और ये आपको मैं गेम एरिया और कॉमन एरिया दिखाता हूँ, जहाँ पे आप लोग गेम्स खेल सकते हो, जैसे टेबल टेनिस यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, हमारे भाई लोग खेल रहे हैं, टेबल टेनिस है, लूडो है, चेस है, कैरम है, और यहाँ पे साथ में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लाइब्रेरी एरिया भी है, जहाँ पे आप बैठ के बुक पढ़ सकते हो, और काफ़ी सारी छोटी छोटी और भी गेम्स रखे, कार्ड्स वगैरह वो भी खेल सकते हो, काफ़ी बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। और ये अपना आज का आउटफिट, और ये यहाँ का कैंटीन एरिया, जहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और काफ़ी सारी वैरायटीज अवेलेबल है, मैगी से लेके मैक्सिकन, चाइनीज़, पंजाबी और महाराष्ट्रियन फूड वगैरह काफ़ी कुछ अवेलेबल है, वेज नॉनवेज दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और ये लाइट्स चेक करो गाइस, इवनिंग में यहाँ पे जो वाइब था ना वो काफ़ी डिफरेंट था। और यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे इवनिंग की, चीयर्स, चीयर्स ब्रो, टी चीयर्स, टी चीयर्स, और वाइट टी। तो गाइस अभी ये दूसरा दिन है, और यहाँ पे अभी हम लोग निकल गए, अभी हम लोग जाएंगे मुंबई और बोलते अपने हॉस्टल को बाय। और बहुत धूप है, अभी हम लोग ने एक्चुअली बहुत आराम से उठे, बहुत रिलैक्स किया, तो अभी हम लोग दोपहर के टाइम में निकल रहे हैं। हम लोग को पता था कि गर्मी मिलेगी, लेकिन क्या करें, अभी सब लोग कल रात को भी चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, तो सब लोग आराम से उठे, तो अभी हम लोग हॉस्टल को बाय बोलते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छा लगा, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छा लगा तो आपको डायरेक्ट hostel.com से बुकिंग आप कर सकते हो, hostel.com/ यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हो, डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग होती है, और काफ़ी मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग एक बार ट्राई करना यहाँ पे आके। और बस अभी बाय बाय बोल रहे हैं हम लोग ये प्रॉपर्टी को। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसा लगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका सपोर्ट दिखाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अभी नेक्स्ट और राइड के जो वीडियो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जिंदगी जिंदाबाद।